अभी जैसा राना मॉडलिंग की रीओपनिंग हुई है, यहाँ पर अर्जुन राव जी खोटकर आए हैं रीओपनिंग के लिए। इससे पहले भी जब ओपनिंग हुई थी अर्जुन राव जी खोटकर ही आए थे। तो चलिए आज देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस। अभी अर्जुन राव जी खोटकर आ रहे हैं ऊपर। नमस्कार सर, इससे पहले भी राना मॉडलिंग की जब ओपनिंग हुई थी तो आप भी आए थे, तो क्या आप राना वालों के लिए लकी पर्सन है? इसके बाद भी जो होगा उस समय भी मैं ही आऊंगा। ये इतने मीठे लोग हैं, मेरा तो बहुत सालों से ये पूरे घर से अच्छे से ताल्लुकात है, मेरे भाईचारे के संबंध है हमारे, पर हम बड़े काबिल बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल बच्चे हैं। मेरे दोस्त के बच्चे हैं पर बहुत काबिल बच्चे हैं, और खुदा उन्हें नवाजे, खुदा उन्हें बड़ा किए, ऐसी मैं शुभकामना उन्हें ही देता हूँ। जिस तरीके से सर हमने आज देखा है आपकी केमिस्ट्री उनके साथ है, जब से वो घराना से हमारे संबंध घर के है, कोई ईद ऐसी गई नहीं पहली जो हमारे स्टूडेंट लाइफ की कि मैं यहाँ पर, हमारा मकसूद भाई था, जब कोई ईद ऐसी गई नहीं कि हम उनके घर पर सिरखोर खाने के लिए आए नहीं। अब जब से हमारे संबंध है, तो एक बार संबंध बनते हैं तो वो टूटने के लिए थोड़ी बनते हैं, और मैं वो पर्सन हूँ कि मैं संबंध कभी तोड़ता नहीं। सर, इस ग्रोथ को देख के आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ग्रोथ देखो अपने स्वभाव को प्रॉब्लम होती है, और जैसा कि बच्चे काबिल है, मैं झांझा भी देखता हूँ, इतनी लगन से काम करते हैं, इतनी लगन से काम करते हैं, तो इनका भविष्य क्या है ये बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारे साथ है अरविंद चौहान, एक्स एमएलए बदनापुर। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सर, राणा मॉडलिंग की जैसे रीओपनिंग हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जालनाशा रहतील राणा मॉडलिंग फोटोग्राफीचं नाव निघालं की राणा मॉडलिंगची आठवण येते। आजच्या स्पर्धेच्या काळामध्ये मोबाईलमुळे प्रत्येकाच्या हातात कॅमेरा गेलेला आहे, अशा वेळेस हा फोटोग्राफीचा धंदा अतिशय अडचणीत आलेला आहे, आणि या अडचणीच्या कालखंडामध्ये सुद्धा राणा मॉडलिंगनी आपलं एक नाव या क्षेत्रामध्ये प्रस्थापित केलेलं आहे। विचार म्हणजे त्यांचं सांगू शकत नाही, एवढे छान आहे। आम्हाला तर म्हणजे दीदीच्या एंगेजमेंटसाठी बोलवलं, एवढी सुंदर एंगेजमेंटचे फोटो आले की म्हणजे आम्ही फोटो बघून अक्षरशः आमच्या डोळ्यात पाणी आले, एवढे सुंदर फोटो बनवले त्यांनी। आमचे जावई आहेत, ते अमेरिकेला असतात, त्यांना पण आम्ही फोटो पाठवले, त्यांचे पण सगळे मित्र म्हटले पहिल्याच वेळेस आम्ही असे फोटो बघितले, एवढे सुंदर, म्हणजे कुठून फोटोवाले लावले होते तुम्ही? म्हटलं आमच्या जालन्यातलेच आहे फोटोवाले। जब से मैं छोटी थी, फर्स्ट शूट जो मेरा था वो यहीं पे किया था मैंने, फोटो स्टूडियो में ही किया था। तब तौसीफ भैया ने मेरा मेकअप किया था, शायद उनको अभी याद है नहीं, वो कर रहे थे तभी उस टाइम। और अंकल ने भी मेरे फोटो खिंचाए, भैया ने खिंचाए, मतलब पूरा फैमिली के जैसा ही है एनवायरमेंट सब। जब मैंने फर्स्ट शूट किया था राणा मॉडलिंग का, आई गेस मैं तब ग्रेजुएशन में थी, तब मॉडलिंग के फोटोज खिंचवाए थे, तभी से वो मतलब है, टच में है। उसके बाद जब मुझे ऐसे लगा नहीं था कि एंगेजमेंट के टाइम में यही चूज करूंगी, मतलब ऐसे बोल रहे थे सब पुणे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब से मुझे पता है सब भैया का नेचर, मुझे पता है जितना कंफर्ट जोन मुझे यहाँ पे आता है वो कहीं भी नहीं आता। सो राणा मॉडलिंग जालना शहरापुरतं मर्यादित राहिलेलं नसून लांब पर्यंत राणा मॉडलिंगचं नाव गेलेलं आहे। जालना शहरातलेच नाही तर मराठवाड्यातील सुद्धा अनेक उद्योजक ज्या ज्या वेळी परदेशवारी करायला जातात सुट्टीमध्ये सुट्या घालवायला, त्यावेळेस राणा मॉडलिंगचा एक माणूस सोबत घेऊनच जातात, आणि त्या ठिकाणची प्रतिम फोटोग्राफी ही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळते। रिली सॉरी, तोसी भैया को सॉरी कहूंगी। तो वो जब एंगेजमेंट के मोमेंट पे था, तो वो सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहा था, तो मैं भैया को बोल रही थी, यार भैया कितनी बार बताओ मुझे ये करना है वो करना है, वो सॉन्ग बताओ ये वो, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा डांटा नहीं। मुख्य म्हणजे आमचे मित्र त्यांचे वडील यांचे सरे संस्कार आहेत, आजही ते यांच्या पोरांच्या मुलांच्या पाठीमागे अतिशय खंबीरपणे उभे आहेत, त्यांना प्रोत्साहित करतायत, आणि म्हणून ये राणा मॉडलिंगचं नाव हे आज जसं याच्यापेक्षा आणखी वाढणार आहे। हमारे तो पापा के टाइम का 20-25 इयर्स तक हमारा रिलेशन चलते आ रहा है, और अभी भी हमारा सेकंड जनरेशन भी वही इतना ही स्ट्रांग रिलेशन है हमारा। अभी हमारे कॉलेज के मित्र है नवाज खान जी, उनके आप मामा जी लगते हैं,
तो वैसे हम भी इनको मामा जी बुलाते हैं, मकसूद भाई को, और उनके भी जो लड़के हैं सारे, अब जो राणा मॉडलिंग में सब एक्टिव है जी। जैसा नवाज दोस्त है तो वो भी सारे हमारे दोस्त है, तो इस तरीके से हमारा उनका रिलेशन है। और डिवोशनली हमारे तो फैमिली मेंबर है, हमारे एक भी शादी इनके बगैर होती नहीं। स्टूडियो तो एक नंबर है, वो चैलेंज है। औरंगाबाद में भी मेरे ख्याल से शायद ही रहेगा ऐसा स्टूडियो। मेरे लाइफ में राणा मॉडलिंग का बहुत बड़ा मतलब योगदान कहूँगा मैं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम है। आप देखिए उनका आज इतने फेमस है, आज जालना में स्टूडियो है उनका, और वो उनको बाहर हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद वहाँ तक के उनके ऑर्डर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैं तो बोलता हूँ ये शुरुआत है, इसके बाद मैं तो कहूँगा कि उनको ऑल मतलब ऑल इंडिया लेवल पे उनका काम रहेगा, ऐसा मैं कहूँगा। राणा फोटो स्टूडियो एक बहुत अच्छी जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब शूटिंग अच्छी होती है जी। वसीम भाई हमारे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये हम जफर भाई हम तीनों साथ में रहते हैं बचपन से, हम एक दूसरे को कोऑपरेटिव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई ने काफ़ी मेहनत करी अपनी शॉप बनाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हम राणा मॉडलिंग को बचपन से देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और शादी के ऑर्डर होते हैं, और बहुत काफ़ी मेहनत से लगन से अच्छा काम करते हैं ये, और काफ़ी एक नंबर पे जालना में स्टूडियो है। हम करेंगे इंशाल्लाह कि मराठवाड़े में एक नंबर पे हो जाए, हम इतनी दुआ करेंगे। एक अतिशय सुसज्ज सुंदर असा फोटो स्टूडियो त्यांनी जालनेकरांच्या सेवेत सादर केलेला आहे। माझ्या मनापासून शुभेच्छा राहतील की या फोटो स्टुडिओचं नाव जालना शहर आणि मराठवाड्याच्या बाहेरही जावं, आणि तो दिवस मला निश्चित वाटतो की तो काही दूर नाही। धन्यवाद, शुभेच्छा। हमारे साथ है तौसीफ राणा, राणा मॉडलिंग से। तौसीफ भाई हमने सुना है कि राणा मॉडलिंग के हुकुम एक के सिर्फ आप ही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे चाहने वालों की और मेरे दोस्तों की मेहरबानी है बस, कि उनका बोलना ये है भैया, और कुछ भी नहीं। मेरे हुकुम के इक्के तो मेरे मम्मी पापा है। अच्छा। और मेरा भाई बस। अच्छा, बिल्कुल जी 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 जी। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सलमान खान के फार्म हाउस पर जाकर उसके घोड़ों की फोटोग्राफी करना। मेरा तो सबसे बड़ा और आखिरी मेरा मकसद वो है कि मैं सलमान भाई से मिलूं और उनके हॉर्स की फोटोग्राफी करूं। मैं अभी लॉकडाउन में साइकिल पे जाने वाला था, पर कुछ मेरे वेडिंग के वजह से, मुझे बुकिंग आने की वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सलमान भाई से मिलूं। जैसे कि आपने जालना के अंदर फोटोग्राफी में क्रांति लेके आए हैं जी, जिसका नाम है मॉडलिंग, जो जालना के अंदर एक नया कंसेप्ट था। जालना में फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी मॉडलिंग लाने वाले मेरे डायरेक्ट थे। मेरे डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से फोटोग्राफी करते हैं, और उनके साथ मैंने फोटोग्राफी सीखा है। उन्होंने जैसे पुराने कैमरे, याशिका, प्रीमियर, ये कैमरों का सब ज़्यादा यूज़ किया, रोल के कैमरे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने FM 10 पे काम किया हूँ रोल के कैमरे पे, जिसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट भी निकाला है मेरे डैड के साथ रहते हुए, और मतलब डार्क रूम वगैरह के भी, जो आज के यंग जनरेशन को तो ये पता भी नहीं होगा कि डार्क रूम और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किसको बोली जाती है। तौसीफ भाई, जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट किए थे, जब जालना के अंदर पर फोटो का प्राइस था 20 रुपीज़, और आप 300 में 5 फोटोज़ देते थे, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? सर, ये स्ट्रगल ये क्वालिटी पे और मेरे डाइट की मेहनत थी बस, जो आज ये मुकाम पे आए वाले हम। मेरे डाइट ने काफ़ी मेहनत की। हम 50 रुपये, मैं देखा हूँ कि मेरे डाइट 50 रुपये रोज से काम करते थे। आज बस उनकी दुआ और उनकी मेहनत ही है जो आज इस मुकाम पे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।